सो आज हम खेलेंगे स्लेंडरिना स्कूल। भाई मतलब स्लेंडरिना स्कूल भी गई थी क्या भाई? एक सेकंड यहाँ पे बहुत मुझे ना बार बार ग्रेड पा के घर की याद दिला देती। पता नहीं है हर गेम में होनी है यार कुछ ना कुछ सिमिलर चीज। वैसे आज हम स्कूल में आ चुके और ये वायरस स्कूल भाई पता नहीं कितना साल पुराना है और हमें ऐसे स्केप करना है। क्लासरूम बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है ये भाई, कितने बच्चे पढ़ेंगे इसमें? वेट वेट, ये बोर्ड पे एक की है। हुआ आते अपने को एक की मिल गए, मुझे लगता है मुझे कीस कलेक्ट करके यहाँ से। भाई क्या ही खतरनाक तरीके से पीछे से छप्पा कर दिया। तो एक सेकंड को मुझे कुछ समझ भी यार, मुझे ऐसा भागना चाहिए भाई। ये की यूज हो गई और भाई मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा। मुझे लगता है यहाँ सिलेंडर छुप कर बैठी होगी भाई, यहाँ पे की लगी है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और यहाँ पर ना अजीब सी आवाज़ें भी आ ही रही है। और ये की यहाँ पर लग चुकी है तो मुझे और कीज ढूंढनी पड़ेंगी यहाँ पर। भाई मुझे ना भाई टेबल्स वगैरह पर भी देखना चाहिए, जरूरी नहीं है कहीं पर भी पड़ी हो सकती है। भाई ये क्या हो रहा है? अबे मुझे कहाँ जा रहा है? भाई 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 अबे रुक, बता तो सिलेंडर करना क्या है भाई। वेट वेट वेट, अबे भाई ये क्या हुआ सिलेंडर? ये क्या है? ओ ये हेल्थ, मतलब ये जो साइड में बार अपने हेल्थ। अबे भाई मुझे चेल तो ले लेते सिलेंडर की बच्ची। शांति एकदम एकदम, अभी जा चुकी है सिलेंडर यहाँ पर नहीं है। जल्दी टेबल चेक करता हूँ भाई, क्या है तो सांस भी नहीं लेने दे रही भाई। एकदम से वहाँ से कैसे आ गई यहाँ पर मेरे पास? भाई ये कुछ तो मिला और ये भी हमें एक्ट कलेक्ट। भाई हमें दो दो चीज़ें कलेक्ट करनी है, कीज भी और अपने को। भाई ये कुछ तो है, पता नहीं क्या है यार ये। अभी ना मैं इधर देखता हूँ बेंच वगैरह पे ना पड़ा होगा यार कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे कलेक्ट करना है। तो वैसे ज़्यादा नहीं करना है, इतना बड़े स्कूल में एड तो हमें ईजिली मिल ही जाएंगे। बट टेंशन ना स्लेंडी ना की है भाई, ये स्कूल में बिना बात का अटेंडेंस देने हमारे पास क्यों आ रही है? अभी ना मैं ऊपर नहीं जाने वाला ना, नीचे पहले ना सारा पूरा फ्लोर ना चेक कर लूँगा, मुझे पता है। फिर मैं ढूंढता फिरूँगा, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर एक और क्लासरूम भाई, ऑब्वियसली बात है स्कूल में तो क्लासरूम ही होंगे ना। वैसे यहाँ पर कुछ दिख तो नहीं रहा भाई। और वेट 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 वेट, कुछ तो होना चाहिए। यहाँ पर एक टेबल क्यों रखा है? यहाँ पर बोर्ड पे भी कुछ नहीं लिखा है भाई। यहाँ पर कभी पढ़ाई भी हुई है? कुछ तो लिखा होना चाहिए था ना दीवारों पर भाई। किसी तरह के पैम्पलेट लगे हुए हैं, मतलब क्या भाई सबके स्कूल में ना भाई एकदम डेकोरेट होकर रखा था। भले ही स्कूल कितना भी पुराना, कुछ ना कुछ तो लगता था कि हाँ यहाँ पर पढ़ाई हुई है भाई। यहाँ पर कुछ है वे नहीं, ये उठाना नहीं चाहिए मुझे। मुझे भाई ये पता, ये क्या है और आपको भी पता है। वेट चेक करता हूँ भाई। भाई मैं इसको फेंक भी नहीं सकता। अबे भाई ये क्या हुआ? ये तो मेरे ऊपर कर्ज लग गया यार। आपको पता है यार कितना खतरनाक टेडी है, इसलिए नहीं लेगा ना। मैं फेंक दूंगा, मैं नहीं, इसका कर्ज चालू हो गया भाई। मैं कोल में जाके बैठ रहा हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं इसको फेंक भी नहीं सकता, मतलब क्यों ही उठाया यार, मैं बहुत बड़ा पागल हूँ। और अभी ना उसने मेरी हेल्थ कम कर दी है और भाई आसपास दिख भी नहीं रही है, पता नहीं। भाई मैं परेशान हो चुका हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेंडी ना चली गई क्या? प्लीज़ चली जा भाई, फाइनली चली गई। अभी ना यार मुझे पता नहीं है, टेडी बेयर भी हाथ में लग चुका है। और भाई यहाँ पे ना मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, टेडी बेयर लेके भाई मैंने गलती कर दी है भाई। पता नहीं यार अभी क्या होगा, मुझे इसको लेकर ही मरना पड़ेगा यार। इसके भी स्कूल लेकर ही करना है यहाँ से। तो अब ना मुझे और भी जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर ना मुझे लगता है इसकी वजह से गुस्सा आ चुका है उसे, क्योंकि मैंने उसका प्यारा वाला टेडी उठा लिया है। तो अभी ना वो मुझ पर बार बार हमला लगातार करेगी, पहले भी कर रही थी और अब ज़्यादा ही करेगी यार। भाई मुझे ना जल्दी से ये एड ढूंढने, दो तो मुझे मिल चुके हैं। और यहाँ पर ना टेबल और बेंच पर सब जगह मुझे डिटेल में चेक करना पड़ेगा यार कहीं पर। वेट देखो, मैंने सोचा ही था कि कहीं पर भी ना की भाई छुपा के रखी होगी, इसलिए ना हमें दिखेगी नहीं और हम पागल बन के ढूंढते रहेंगे यहाँ वहाँ। तो मुझे ना एकदम डिटेल में ढूंढना है जो भी ढूंढना है। और अभी ना सैंडी ना आ नहीं रही है, मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए हमारे पास टाइम है। तो एक दो बार आके ना बहुत थोड़ा सा टाइम दे देती है हमें शायद कि हम ढूंढें, उसके बाद वो फिर आगे हमें परेशान करेगी। तो अभी ना यार नीचे चलते हैं, क्योंकि वो ऊपर का फ्लोर तो हम बाद में देखेंगे, पहले नीचे देखते क्या है। तो नीचे यहाँ पर भी यार ऑफिस वगैरह, वेट ऑफिस तो नहीं है और ऑफिस होना भी नहीं चाहिए यहाँ पर यार लगता है। रुको, यहाँ पर हेल्थ ले ली यार, कोई बात नहीं, वैसे जरूर नहीं ले ली। और अभी ना इसमें भी देख लेते, कुछ नहीं है। मुझे लगता है ना पूरा फ्लोर नीचे वाला ही अंडरग्राउंड खाली होगा। और वेट यहाँ पर मशीन, ओ यहाँ पर फ्यूज़ लगेंगे और भाई 8 फ्यूज़ लगेंगे और मुझे लगता है जो हमें कलेक्ट करना फ्यूज़ है यार। और यहाँ पर ओह लेको एक और फ्यूज़ मिल गया। तो चलो हमारे पास 8 फ्यूज़ ला के लगाने। सिलेंडर तू मत पीछा कर मेरा यार, मैं दे दूंगा तेरे टेडी, मुझे नहीं पता है कैसे छोड़ना, वरना मैं कब का तेरे मुँह पर फेंक के मारता है। भाई ये ना मैं सच में इतना नहीं डरता कभी भी, पर यार ये एकदम से जो आती है ना एकदम से और इतना खतरनाक साउंड करती है भाई, उससे बहुत ज़्यादा भाई दिल में धक धक होने लगती है मेरे। और
अभी ना यहाँ पर मैं ऊपर जाऊँ, पूरा चेक करके आता हूँ ऊपर कितना फ्लोर है, कहाँ तक जाता है, कितना ही बड़ा स्कूल है, उसके बाद वो इससे ऊपर है ही नहीं मुझे लगता है यहाँ से भाई खट्टा में एंट्री है, और मुझे लगता है यहाँ से मुझे एस्केप करना है, और ये डोर लॉक है, और भाई ये जहाँ तक आपको दिख रहा है ऑटोमेटिक है ना, मतलब ये फ्यूज लगाते अपना अनलॉक हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे एस्केप कर सकता हूँ। की का यूज सिर्फ हमें ना क्लासरूम खोलने के लिए जो कि बंद पड़े उनके लिए करना है, एस्केप के लिए हमें फ्यूज जरूरी है। तो अभी ना हमारे पास चार हो चुके हैं, और भाई बस सिलेंडर ना होना इस गेम में तो भाई बहुत ईजी हो जाए यार। यहाँ पर सारे क्लासरूम खाली है, एक भी क्लासरूम में कुछ नहीं है, और आधा डोर तो लॉक पड़े हैं, जिनकी कीज भी नहीं मिल रही क्लासरूम में, पता नहीं कहाँ पर ही छुपाती है, मुझे मिल क्यों नहीं रही। अभी ना मुझे भाई एकदम डिटेल में फिर से ढूंढना पड़ेगा इस क्लासरूम में, देखता हूँ कहीं बोर्ड के पास कहीं कोने में कहीं पर भी नहीं दिख रही यार, एक भी की नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ छुपा कर। ऑलराइट यार मैं परेशान हो गया हूँ, अभी तक सिलेंडर अभी मुझे परेशान करने नहीं आई, फिर भी मैं भाई चल चल के परेशान हो गया हूँ, पता नहीं यार मैं बोर सा हो गया हूँ क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा है, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा घूम घूम के इस रूम स्कूल में। वे फाइनली कुछ तो मिला यार, इतनी देर से मैं ढूंढ रहा था, अब जाके एक फ्यूज़ मिला है, और यहाँ पर मैं ना एकदम डिटेल में देखूंगा यहाँ पर कुछ और तो नहीं छुपा के रखा ना इस बच्ची ने सिलेंडर ना की। फ्यूज़ यहाँ पर भी नहीं है, वेट यहाँ पर ओ यहाँ पर अपने को एक फ्यूज़ और मिल गया है। ऑलराइट एक और चीज़ अपने को की भी मिल गई, तो ये कुछ हुई ना भाई, पहला ऐसा रूम है शायद, ये दूसरा है, पहला मुझे याद नहीं है, पर यहाँ से दो चीज़ एक साथ मिली, की और फ्यूज़, जो कि यार मेरे दिल को बहुत शांति देता है कि ज़्यादा हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। और भाई अब इस रूम में भी देख लेते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है डाइनिंग टेबल रूम नहीं भाई, ये सिलेंडर क्या है भाई, इतनी देर से आती है और गायब हो जाती है, वो भी पता नहीं चलता कब आई कब गई। और यहाँ पर बच्चे खाते होंगे मज़े से अपना भाई चिकन वगैरह सब कुछ, भाई साहब भाई भूख लग रही है मुझे भी, कोई बात नहीं बाद में स्केप करने के बाद जश्न मनाएंगे हम। मुझे ऐसा लग रहा है सिलेंडर ना कुछ खतरनाक प्लान कर रही है सच में यार, कोई अपनी पूरी गैंग लेके ना आ जाए यार, यहाँ पर और भूत होंगे उसके साथ भाई उसके दोस्त वगैरह। भाई अब मुझे ना जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, सिर्फ दो अपने कुछ फ्यूज और ढूंढने कुछ भी करके, एक की आई थिंक यहाँ लग जानी चाहिए, हाँ फाइनली इसकी की दी है। तो अभी ना यहाँ पर जल्दी से देखते हैं, यहाँ पर ना भाई एक टेबल और एक कैबिनेट, ओह इधर एक और की मिल गई है, तो एक और डोर आप खोल सकते हैं, और इसमें एक वेट फ्यूज़ भाई फाइनली एक आखिरी फ्यूज़, और अपना यहाँ से निकलने का काम हो जाएगा। अब जल्दी से ना वेट यहाँ पर रहिए, एक और डोर था वो शायद ये डोर था जो, नहीं यार ये विदाउट की खुल गया, यहाँ पर शायद ये वाला डोर था जो की का यूज़, हाँ ये वाला था, और मुझे लगता है यहाँ पर आखिरी फ्यूज़ मिल जाएगा, मिल गया जाएगा भाई, मिल गया भाई फाइनली, अब मैं ऐसे एस्केप कर सकता हूँ, और शायद मुझे यहाँ पे देखना चाहिए एक और की होगी, क्योंकि भाई कुछ भी कह नहीं सकते क्या पता ऊपर की वजह से खुले, यहाँ पे देखता हुआ चलता हूँ आ गया हूँ। तो फिर भाई एक और की देखो, मुझे लगा ही था एक और की हमें चाहिए ही होगी शायद ऊपर के लिए, और अभी ना पहले हम फ्यूज़ लगाने चलते हैं, उसके बाद की के थ्रू वो डोर खुल जाएगा फाइनली, और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट दर फ्यूज़ हमने लगा दिए, और अभी भाई भाई साहब इसने कितना खतरनाक था, पकड़ इतनी देर से मैं भाई वेट ही कर रहा था, जब भी आएगी ना मैं से नहीं डरूंगा, इसने एकदम एहन मूवमेंट पे आ गया था, धप्पा किया ना एक सेकंड को मेरा दिल बाहर आ गया था यार, सच बता रहा हूँ भाई, एक बार ना एक गेम खेलना और भाई अब खुद एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा यार मज़ा आता है, डर भी लगता है। तो अभी ना यहाँ पर सेंड ना तो मेरा पीछा नहीं कर दिया, और भाई मैंने हेल्थ ले लेता हूँ भाई, क्या पता ऊपर उसके भाई गोस्ट आर्मी अपना वेट कर रही हो, और अभी ये शायद देखो ग्रीन हो चुका है तो अनलॉक हो जाएगा, और यहाँ पर की का यूज़ नहीं हुआ, वेट की का यूज़ यहाँ पर नहीं हुआ, तो की अब भाई वेट की छोड़ ये रूम एक और यहाँ पे सिर्फ एक टेबल है जिस पे भाई शायद सिलेंडर लिखा हुआ है, ये सिलेंडर की क्लासरूम है स्पेशल, जहाँ पर वो अकेले पढ़ती थी, मतलब उसका कोई दोस्त था ही नहीं, और ये वही यार सिर्फ पेंटिंग क्या है बे, कौन बनाता है ऐसी पेंटिंग बचपन में, और मुझे ये बताओ उसका अलग स्पेशल रूम इतने ऊपर क्या कर रहा है भाई, मुझे पागल बनाया इस की का यूज़ यहाँ पर नहीं, वेट जल्दी से, मैं तो मजाक कर रहा था, ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा प्यारी, इससे मास्टर भी तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं दे, चली गई छुड़ेल की बच्ची, भाई मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ एक टेबल है, इस पर सिलेंडर का नेम भाई, तो यार मैं सोच रहा था ऊपर टेरेस वगैरह हो गया तो यार मैं यहाँ से भाग पाऊंगा, या तो यहाँ से कुछ एक्सीड होगा, यहाँ पर चारों तरफ दीवार, वेट भाई मैंने गलती से उसको खोल दिया, ओह यहाँ पर टेडी का मार्क है, मुझे लगता है टेडी यहाँ पर मुझे यहाँ पर ही रखना है, मुझे टेडी यहाँ पर रखना है, ये क्या फोटो, यू हैव टू लीव भाई, ये टाइम अपना यहाँ से निकलने का, मतलब मुझे लीव नीचे से करना है, पर मुझे लीव कहाँ से करना है यार, एग्जिट डोर तो कोई था ही नहीं, वेट एक वेट, मुझे लगता है जहाँ से मैं एंटर हुआ वही मेरा एग्जिट डोर होगा, हाँ यार वही होगा, मैं भाई फर्स्ट फ्लोर से पिछले दिनों मुझे धक्का दिया भाई, सिलेंडर ने मुझे धक्का दे दिया, और मुझे ना पता था इसी फ्लोर से मुझे जाना है, पर ये सिलेंडर की बच्ची मुझे जाने दे प्लीज, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं फोटो लेके जा रहा हूँ, वो भी मुझे नहीं पता मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, बस मुझे फोटो छोड़ दे, बच्चा हुआ, और आई थिंक सिलेंडर ना होगी, ये कहाँ गई सिलेंडर, कहाँ चली गई,
मुझे लगता है उसने मुझे छोड़ दिया भाई साहब। तो वीडियो भी एंड नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कोई छोड़ के नहीं जाएगा। पहले मैं एक बात बता दूँ आप लोग को, मैंने पहले वीडियो के बीच में जो बताया था ना कि आप लोग इन्जॉय करते हो गेम को, ये भी इन्जॉय करना, तो मैंने सोचा आपने जो भी गेम मैं आज तक बात खेलूँगा और आप जो खेलोगे ना भाई कोई भी गेम उसकी छोटी मोटी क्लिप आप रिकॉर्ड करके फनी भाई जो भी फनी पार्ट हो या ना नॉन फनी भी हो ना मुझे भेजो, मैं जरूर सोचूंगा अपनी वीडियो में ऐड करने का आपके नाम के साथ, शायद आपको एक शाउटआउट ही मिल जाए उस तरह से। तो यार ये कुछ रहेगा और मजा भी आएगी आप लोगों को भी और मुझे भी आपकी फनी क्लिप देखने में, तो शेयर करो अपनी फनी क्लिप। बाय बाय।